इट इज क्वाइट अ स्टोरी. हां वही स्टोरी जाननी है हमें. वी सी फेस टाइम्स माय फादर लिटरली. विनोद चोपड़ा ने आपके पापा को सीधे फोन. एंड आई टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट चैट. आई स्टिल हैव इट. चाय पे चर्चा हम कर रहे हैं. एक ही कप चाय क्यों है ये आप बताइए. क्या है? अरे इनके बारे में भी बता दीजिए. उसके बाद अक्षय कुमार के इंट्रोडक्शन के टाइम पे आ गई हैं. अच्छा जी, तो ये हैं, इनका नाम रहमत है, प्यार से हम इनको हबीबी बुलाते हैं. रैंडमली मुकेश अबरा कास्टिंग कंपनी से एक लड़की उनका नाम आस्था हो रहा है. शी टेल्स मी कम टू मुंबई, इम्तियाज अली एंड साजिद अली वांट्स टू मीट यू. आई वाज लाइक दिस इज झूठ, दिस इज फ्रॉड. आई ब्लॉक हर नंबर. मैं स्कूल में थी और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मैं झूठ बोलती थी सबको कभी मेरा बॉयफ्रेंड है. कोई बॉयफ्रेंड नहीं. आई वाज इन फोर्थ स्टैंडर्ड. नहीं था. नहीं है भी नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं था. अब उस टाइम पे हेडलाइन मिल गई. क्या सादिया खदीम इज सिंगल. सादिया खदीम इज सिंगल. चाय पे चर्चा हम कर रहे हैं. एक ही कप चाय क्यों है ये आप बताइए. और ये मेरी है कि पानी. पानी पे चर्चा नहीं. मैं पानी पीऊंगी, आप चाय पीजिए. ऐसा क्यों? हीरोइंस नहीं पीती क्या? आई मीन चाय बचपन से पसंद नहीं है, मतलब बहुत रेयरली चाय पीऊंगी मैं. चाय कॉफी आई एम मोर ऑफ अ नींबू पानी पर्सन. अगर मुझे पता होता ना कि इन्हें चाय पसंद नहीं है, मैं आता ही नहीं दिल्ली से मुंबई. क्यों? आप चाय. आई एम अ टी लवर. आई एम अ टिपिकल नींबू पानी पर्सन. लाइक अगर मुझे कहीं जाना है, फ्रेश लाइम वाटर, स्वीट एंड सॉल्टी मिक्स. अच्छा, सबसे पहले तो सवाल इसी से शुरू करेंगे. हाउ इज लाइफ आफ्टर रक्षाबंधन? मतलब इतने जलवे, इतने सादिया खतीब क्रश हो गई, नेशनल क्रश, ये वो, तो अभी है क्या? मजा आ रहा है. ऑनेस्टली मजा आ रहा है. और टाइम नहीं मिल रहा है इसे सिंक इन करने के लिए, बट रिस्पॉन्स हैज बीन ग्रेट. मैंने उम्मीद नहीं की थी, सच बताऊंगी. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैंने रिव्यूज भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे. मैं तो सोचती थी क्या, मतलब कितना ही है, कितना ही होगा. बट जब रिस्पॉन्स आया तो अभी थोड़ा अच्छा लगा बहुत. अच्छा, हम जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था ना, तो हम मिले थे और हमने सोचा था एक जूम पे इंटरव्यू करेंगे. Done. लेकिन वो हो नहीं पाया और अच्छा ही है वो नहीं हो पाया. सो आज वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द फिल्म एंड सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस स्पेशली, बिकॉज बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस ऑफ मीडिया, बहुत सारे रिव्यूज, बहुत सारे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें यू बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट एंड यू हैव डन अ फैबुलस जॉब. तो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला और किससे मिला? सारे ही अच्छे. इनफैक्ट एक स्पेसिफिक तो अच्छा नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलूंगी, मेरी बहन का रिएक्शन बोलूंगी. जो मेरी बहन ने जब पहली बार फिल्म देखी थी, तो वो ना एक पिंक टॉप, रफल टॉप पहन के गई थी यशराज, अभी जब पहली स्क्रीनिंग थी. और जब वो बाहर निकली और काजल वाजल सब लगाया था, जब मोहतरमा बाहर आई तो वो जो पिंक टॉप था ब्लैक टॉप हो चुका था और वो फुल मेकअप जा चुका था. सो वो देख के एंड शी वाज लाइक क्यों किया तूने. सो वो जो रिएक्शन देख के मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा. अब वो रिएक्शन क्यों है ये जिन्होंने फिल्म देखी है वो समझ गए होंगे. अब जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इनका किरदार जो है वो फिल्म में ऐसा है कि आपको रुला डालता है. क्यों रुलाता है वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा. अच्छा सादिया, हाउ यू गॉट दिस फिल्म? मिली कैसे ये, एंड ये कैसे सोचा कि अक्षय कुमार की बहन बन जाती हूँ? मैंने पहली फिल्म की थी, मेरी पहली फिल्म आनंद सर ने देखी थी. उसके बाद मैंने आनंद सर को मैसेज किया था कि फिल्म देखिएगा, और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने ऑलरेडी ये फिल्म देख ली है एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड मी दैट इट डजंट फील लाइक योर डेब्यू. और उन्होंने ये भी कहा था कि हम फ्यूचर में ज़रूर काम करेंगे. कट टू वन ईयर लेटर व्हेन ही वाज मेकिंग रक्षाबंधन, ही कॉल्ड मी फॉर द सेम एंड उनको लगा कि मैं ये किरदार अच्छा कर सकती हूँ. दैट्स हाउ इट केम टू मी. आप ऑलरेडी एक फिल्म कर चुके हैं, यू आर ऑलरेडी अ हीरोइन, देन इस फिल्म में अक्षय कुमार की बहन का रोल प्ले करना कुछ एनिमेशन नहीं था कि यार करूं नहीं करूं, या था कि नहीं इट्स अ बिग फिल्म आई शुड डू इट? ऑनेस्टली था, क्योंकि एक फिल्म लीड के तौर पे की थी. exactly, और ये दैट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म शिकारा. थैंक यू. और बहुत बहुत प्यारी फिल्म है. अगर मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी है नहीं देखी, मैंने देखी है. वो लव स्टोरी जिस तरह से वीव की गई है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. ऑनेस्टली बताऊंगी, इनहिबिशंस थे और वो इनहिबिशंस मैंने आनंद सर से भी शेयर किए थे, अपने फादर से भी शेयर किए थे. बट दो वाक्य ऐसे हुए. एक, पापा को कोविड हो गया था और पापा हॉस्पिटलाइज हो गए थे. और यूजुअली मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो माय फादर नोस एवरीथिंग, ही नोस, ही इज कॉन्स्टेंटली कीपिंग अ चेक ऑन एवरीथिंग एंड ही सेज अच्छा ठीक है, मना कर दिया, इट्स ओके, ये नहीं किया, ओके, दिस डिडंट वर्क आउट, इट्स ओके. व्हेन दिस केम एंड
my father called me right after coming out from ICU. And the first thing he said, मतलब जो पहला call था, oxygen mask निकाल के कि do this film. और आतिफ को बोला, सादिया दीदी को बोलो करे ये film. फिर पापा इसको कहता, मुझे जान भी मांगोगे मैं वो भी दे दूंगी, आई विल, बट डोंट टॉक अबाउट फिल्म, हाउ इज योर हेल्थ, लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग. इज लाइक, नहीं नहीं ये फिल्म आई, ये करो, क्योंकि उनको पता था इसको इनहिबिशंस है, ये है वो है. कट टू, आई स्पोक टू आनंद सर ऑल्सो राइट आफ्टर दैट, एंड ऑल ही सेड, हैव ट्रस्ट, हैव फेथ. व्हेन ही सेड दैट, आई केप्ट इट. एंड देन कट टू, व्हेन आई सॉ द फिल्म, आई वाज लाइक, थैंक यू, आई एम ग्लैड आई हैड. सो अभी फैमिली का क्या रिएक्शन? अ फैमिली इज हैप्पी, मम्मा इज वेरी हैप्पी. मम्मा ने अभी देखी तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी. कजन्स जो देख रहे हैं या खानदान में जो इधर उधर लोग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं. आई वाज जस्ट होपिंग मेरी दादी देख पाए, बट दादी बदरा में, वहाँ थिएटर नहीं है. दैट्स इट, आई एम जस्ट सुपर हैप्पी, क्योंकि एवरीबडी इज नाउ रियली मैसेजिंग मी स्टफ लाइक, दे आर प्राउड ऑफ मी, इट मेड देम क्राई, बिकॉज आई एम श्योर फिल्म्स तो करते हैं, बट नॉट ऑल फिल्म्स कैन मेक देम क्राई विद अ सब्जेक्ट. और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर लड़की रिलेट कर सकती है, क्योंकि उन सबकी शादियाँ हुई हैं, वो सब ससुराल गई हैं. तो मेरी ऐसी कजन्स हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, जो ससुराल में हैं, तो उनकी लाइफ अलग अलग है. तो वो सब ऐसे रोते रोते मैसेज करिए, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू मेड अस क्राई. कट टू फैसल, ये कभी रोता नहीं है लाइफ में, इसको मैंने थिएटर में फूट फूट के रोते हुए देखा. मैंने मतलब अपनी 20 साल की जिंदगी में मैंने देखो कभी जिंदगी में रोते हुए नहीं देखा, तो किधर से रो रहा है. सो इवन मेन क्राइंग, ऑल दोस थिंग्स आर जस्ट एक्चुअली मेकिंग मी फील. अक्षय कुमार आल्सो सेड हमारे इंटरव्यू में कि ही आई क्राइड जब मैंने पूरी फिल्म देखी तो मैं रोया. अच्छा, मैंने अभी देखा कि मैं आया तो आपके घर में पोस्टमैन आया, देन ही सेड कि सेल्फी मैम, आई कैप्चर दैट मोमेंट. सो ये कितना अच्छा लगता है, मतलब जो इस तरह का प्यार होता है. कोई टिकट लेने भी आया था कि टिकट दे दीजिए. ये जैसे मैंने कहा, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इतनी, और ऐसे प्यार की आदत है नहीं. तो अभी जब ये सब मिल रहा है तो दिल खुश हो रहा है, और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थैंक गॉड. लाइक सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, दैट्स टोटली राइट, जिसने भी कहा है ये बहुत सही कहा है. और आई एम जस्ट हैप्पी, आई होप द एंटायर इंडिया, एंटायर कंट्री, द वर्ल्ड वॉचेज दिस फिल्म, बिकॉज जो जो फिल्म देख के इससे बाहर निकल रहा है वो यही कह रहा है कि अच्छी है, एंड इट हैज़ टच देम. सो आई जस्ट वॉन्ट दैट द फीलिंग दैट वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, नॉट जस्ट बींग अ पार्ट ऑफ इट बट अदरवाइज ऑल्सो एज एन ऑडियंस, आई होप द रेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो फील्स इट. अच्छा ये बताइए कि हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, आपने शुरुआत कैसे की? मतलब बचपन से सोचा था कि हीरोइन बनना है मुझे, या इट हैपेंड बाय चांस? ओह, करना क्या था? इट इज क्वाइट अ स्टोरी. हाँ, वही स्टोरी जाननी है हमें. सो ये शुरुआत होती है, मेरे 12th के बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट का टाइम आता है, मेरा रिजल्ट आता है, जिसमें ओके वो एक शॉर्टकट का है. रैंडमली मुकेश अबराव कास्टिंग कंपनी से एक लड़की अंकरा मास्थड़ हो रहा है, उनका मुझे मैसेज आता है रैंडमली. I've never been to Bombay, never given an audition, nothing at all. You are from? I am staying right now in Jammu at this point. I was studying electrical engineering there and born and brought up there also. Now she calls me and she says that she wants to test me for a film called Laila Majnu. I'm like, test me? I've never been to Bombay, never given an audition. मैं अपना engineering का entrance exam ये सब कर रही हूँ, how come? So she's like, Karna and all that, you know, we are looking for a Kashmiri girl or stuff like that. So I sent her a clip and I gave her my number. Cut to few days later, because I was just so interested, okay, a call from Bombay types. Nothing more than that, because kahan, impossible hai, family kahan deki jaane, kaun karega, college abhi jaana hai, lots of things are already happening in life. Cut to, I block her number, she tells me, come to Mumbai, Imtiaz Ali and Sajid Ali wants to meet you. I was like, this is jute, this is fraud. I block her number. 1 year later, same clip was seen by Indu Sharma from Mukesh Chabra casting company. It was in their drive. She takes the number, she FaceTime calls me. FaceTime, she's like, can you do this scene for me? And I do that scene. And I'm like, you know, I find the right girl for you, Shanti, because I don't think I've done it. She's like, no, you're a very natural actor. I'm like, natural, I don't know acting. But she's like, no, you are, the way you're doing it, it's very natural. She was the first one to have that faith in me. She was the first one who would, I used to call her, still call her my fairy godmother. Because she's the one who literally was putting all those efforts. She's like, no, have courage, you will do it. I was giving her number of all the girls in Jammu and Kashmir. This is so pretty, test her. She's like, abe tu kar na, tujhe bol rahi hu, I know you can. And then I was like, but how, FaceTime pe to ho gaya. You will not believe that lady came all the way from Bombay to Jammu with the co-actor to test me. She came there for a day, stayed at a hotel. I was alone there. I went there with my mom. I was the only candidate for that
audition. She tested me. She went back, she showed it to VC, Ridhu Vinod Chopra. He liked it. And I was like, now what? How do I tell my parents that I have come out and given an audition? I can't say. I mean, this is just unreal. And this time I'm in my college and I'm already studying electrical engineering and I was having a bad life, honestly, because I hated my studies at that point. मैं कुछ भी करके वैसे ही वहां से भाग जाना चाहती थी. कट टू शी इज लाइक, वीसी विल कॉल योर फादर. आई वाज लाइक, व्हाई वुड वीसी कॉल माय फादर? इज लाइक, बिकॉज ही इज लाइक योर टेस्ट एंड ही लाइक्स यू. वीसी फेस टाइम्स माय फादर लिटरली. विनोद चोपड़ा ने आपके पापा को सीधे फोन किया. आई टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट चैट. आई स्टिल हैव इट बिकॉज आई वाज लाइक इन माय हेड कि ये मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी एक दिन. की एक कॉल आया था बॉम्बे से, लाइक दो बार कॉल्स आए, बट इस बार कॉल तो डायरेक्टर ने डायरेक्टली पापा को कहा. एंड इट इज सो कूल, लाइक सो एक्साइटिंग. And because it doesn't happen, that was meri soch utni thi, itni nahi thi ki jaungi karungi milega ya na milega, kuch nahi tha. Mera bas thi, are yaar main itni cool hu apne college mein, school mein sabko dikhaungi ki ek Vinod Chopra ne, itne bade director ne mujhe call kiya, papa ko bula. And I still remember, I went to my father, I gave him a glass of milk and a bun. I said, somebody is calling, bas react mat karna, gussa mat karna, kuch bolne ki zarurat nahi hai, bas baat kar lo, kya baat hai dekhte hain. And VC ne apna chashma lagaya, papa ne apna chashma lagaya. You know, akele kamre mein, it was just me and my father, darwaza lock. And VC tells my father, you know, I've launched all these girls and I think she has potential. And all the good things about my test that he had seen, please send her, you know, I would like to see more of her and everything. You know, trust karo and all these good things. And also he was talking about Jammu mein main yahan rehta tha and all that. So that gave my father a bit of comfort. And after cutting the call, I just took the screenshot, saved it. And Papa was like, what was that? मतलब ये कहाँ से कॉल, किधर से क्या आया? It's like, I don't know, पता नहीं कौन है, बॉम्बे से बुला रहे हैं ऐसा ऐसा. कट्टू इज लाइक, इस बारे में आप कोई घर पर बात नहीं करेगा. बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो लाइक टेकन अबैक, ये अचानक क्या हो गया. फ्यू डेज लेटर एंड देन माई ब्रदर ऑल्सो देन की एंड देन ही वॉज लाइक, अगर ये तेरे नसीब में है तो मैं भी तेरे को नहीं रोक पाऊंगा. भाई छोटा है बड़ा है? छोटा. तो मैंने बोला, नसीब की बात नहीं, आपकी इजाजत की बात है, देखते हैं. Cut to, and I did not really insist much because it was such a far-fetched dream that I didn't know what was in store. So I did not ask him. Otherwise, I've been always a rebel. Isme maine nahi bola, jao, mujhe jaane do, whatever. Didn't. I was like, ho gaya call. Mere ko isi mein satisfaction ho gayi thi. And then papa ne almost mana kar diya tha. But my brother came into the picture then. He went to my father and all he said was, what has happened to her doesn't happen to everybody. People go to Bombay, struggle for years to get a film. And agar आप इस लड़की को आया है वहां से, रहमत, दैट्स माय कैट. इतनी चाय पड़ी है वो, गिराएगा, कोई बात नहीं, नहीं गिराएगा, नहीं गिराएगा, रहमत डर गया. सो पापा को बोला कि यू नो, आप इसको जाने दो, जिसके साथ हुआ वो ऐसा होता नहीं है. कट टू 31st August, आई केम टू बॉम्बे रैंडमली. पापा आ गए 5 बजे सुबह, मेरी टिकट्स बुक कर दी मैं मम्मा के साथ. भाई के कन्विंस करने, भाई के कहने की रात के सुबह तक सो नहीं पाए वो. उनको लगा कि समथिंग हैज कम टू हर एंड आई शुड जस्ट लेट हर गो. 31st August आई केम, 2nd July आई साइंड शिकारा. सिंस देन आई एम हियर, डिडंट गो बैक एवर. तो शिकारा जब आई थी, इट्स अ क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म, लोगों ने बहुत पसंद की. उसके बाद कोविड आया, सो वो लगा कि यार इतनी मुझे बड़ी फिल्म भी मिल गई. हाँ. और ये देखो, मतलब इसके बाद जो है, जैसे अभी रक्षाबंधन के बाद, यू नो, पीपल आर कमिंग टू यू, टेकिंग योर इंटरव्यूज, कभी आप इस इवेंट में जा रही हैं, कभी उस इवेंट में जा रही हैं. मैं खुद नो दिल्ली से आया हूँ आपसे बात करने. सो ये अटेंशन उस वक्त नहीं थी, तो वो क्या फीलिंग थी कि मतलब कि इतना कर लिया यार, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी ओ शिट. सोचिए, 2 साल इंतजार किया उस फिल्म के रिलीज होने का. 2017 में आई थी मैं ये फिल्म साइन की, 1 साल शूटिंग में लगाया, 1 साल रिलीज पे लगाया. 2020 February में फिल्म गॉट रिलीज, राइट आफ्टर 20-30 days इंडिया लॉकडाउन में चला गया थिएट्रिकल रिलीज के बाद. और इस टाइम तक मैंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी. बाहर ऑडिशंस होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मीटिंग्स हैं, बिकॉज वी वर जस्ट सो एक्सक्लूसिव एंड सिर्फ शिकारा मेरी दुनिया थी. और कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या होगा, क्या कुछ भी नहीं. लाइक नाउ आफ्टर स्पेंडिंग 3 years, नाउ आई नो, ओके, दिस इज देयर, यहाँ इंटरव्यूज होते हैं, ऐसे बात करना है, ये करना है, डायरेक्टर्स के पास क्या है, नाउ आई नो कहाँ क्या होता है. इमेजिन समबडी बीइंग एन आउटसाइडर, कंप्लीटली नोइंग नथिंग. सो जब लॉकडाउन भी हुआ, आई एम ग्लैड इट हैपेंड टू मी, बिकॉज आई गॉट टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स. वो टाइम मिल गया समझने का, और आई थिंक परफेक्ट टाइम मिल गया. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन, दे से आई थिंक दिस हैपेंड फॉर अ राइट रीजन. नाउ व्हेन आई थिंक,
अगर आज की डेट में ऐसा हुआ होता, I would have been crying because I missed so much. But उस टाइम पता ही नहीं था क्या मिस करना है. You know, मुझे मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ होगा. देखा ही नहीं था. हाँ, देखा ही तो पता ही नहीं है कि क्या मिस कर रही हूँ मैं लाइफ में. Now I know, so you know what I'm saying. और right after COVID, then second wave में I signed this film. So it was difficult. The wait was long, but I think it was worth it. तो जब आप रक्षाबंधन कर रहे थे तो co-stars वगैरह आपको पता था कि like you have already done a film. Yeah. Everybody knew. They know. तो उसका फायदा हुआ कुछ? मतलब because आप already camera face कर चुकी थी जो बाकी की तीन girls आपके साथ थी, चार महीने अक्षय कुमार की, ये खास मेहमान इंटरव्यू में हमारे, अच्छा इनके बारे में भी बता दीजिए, उसके बाद अक्षय कुमार के इंट्रोडक्शन के टाइम पे आ गई हैं. अच्छा जी, तो ये है, इनका नाम रहमत है, प्यार से हम इनको हबीबी बुलाते हैं. शक्ल देखो इनके, ये चिपकू है, बहुत चिपकू, इनको हर वक्त चिपकना है, अकेले नहीं देते बैठने. अभी भी देखो बीच में आ गए, क्या है अब इनकी आवाज़ सुन रही है आपको, क्या है अभी क्यों आया इंटरव्यू के बीच में, भाग अभी फिर से आ जाएगा. स्पेशल अपीयरेंस देनी थी इसको. हाँ, सो क्या पूछ रहे थे हम, सॉरी. हाँ, ये आ गया, अटेंशन ले गया. जब जो बाकी की तीनों बहनें हैं, कुछ स्पेशल उनके लिए नहीं, बिल्कुल फ्रेश फील हुआ क्योंकि लंबा समय था ना. 2018-19 में शूट की थी शिकारा, उसके बाद 2 साल बाद हम लोग सेट पे थे. इट वाज ऑल फ्रेश फ्रेश, एवरीबॉडी वाज जस्ट वेरी फ्रेश. हाँ, ऐसा कुछ स्पेशल कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे ऑनेस्टली. तो हाउ वाज द फर्स्ट मीटिंग विद अक्षय कुमार, पहली मीटिंग कैसी रही थी उनके साथ? अक्षय कुमार इज अ बिगेस्ट सुपरस्टार, सबसे ज्यादा फिल्में करते हैं वो. तो पहली बार कब फेस किया उनको, किस तरह की फीलिंग्स आपकी थी, क्या रिएक्शन उनका था दैट मीटिंग? मैं गई थी पहली बार उनके घर पे, जब आनंद सर की मीटिंग थी उनके फ्लैट में, यहाँ पे जो ऑफिस है जुहू का, वहाँ पे हम लोगों की मीटिंग थी पहली. इट वाज बिफोर सेट और आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉकड इन एंड आई वाज टोल्ड दैट अक्षय सर से मिलना है एंड ऑल दैट. एंड इट वॉज जस्ट भूमि, अक्षय सर, मैं, आनंद सर और हिमांशु सर, हम सिर्फ 4-5 लोग थे. और मुझे आज भी याद है उनका ट्राउजर ऊपर था. तो मैं ना जब जिम जाती थी ना, तो वन थिंग आई फॉलोड हिज, व्हिच वाज दैट ट्राउजर. आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी कूल, आई लव इट. इवन राइट नाउ हमेशा मेरा ट्राउजर ऊपर चलता है, मम्मा कहती है उतार यार क्या करती रहती है तू, बट आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी कूल. एंड देन व्हेन आई वेंट इन, द पहली चीज जिसे मेरी नजर पड़ी वाज दैट thing. I think I said that also in an interview. Yes, yes, but that's yes. The first impression only because I loved it so much. And I was like, oh my God, this is actually, he's so same. मतलब वो वैसे ही हैं असली ज़िंदगी में भी जैसे मैंने उनको बचपन से देखा है. Like I knew the soul of this person. I've grown up watching the soul of this person, which the entire country loves. But when I met this person, he's that person only. So I vividly remember that specific moment. अच्छा, अब जब आप देखते हो सारी चीज़ें, तो अभी सिंक इन हो गया है कि यस ये फिल्म आ गई है और सब शोशाबाजी हो रही है ये वो सब, या स्टिल अभी है कुछ, या सोचती हैं आगे कि अभी आगे आगे की प्लानिंग शुरू हो गई है? आई थिंक आई एम स्टिल ट्राइंग टू सिंक इन. आई एम एक्चुअली अ लिटिल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर नाउ, बट एट द सेम टाइम मैं और ज़्यादा वो हो गई कि यार बिकॉज मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया रक्षाबंधन से जो मैंने उम्मीद नहीं की थी, और शिकारा से भी मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिकली, और पीपल अराउंड मी क्राइड एंड थिंग. सो नाउ पीपल आर टेलिंग मी व्हाट विल बी योर थर्ड प्रोजेक्ट, विल दैट मेक अस क्राई, व्हाट विल इट बी लाइक. तो मैं ऐसे हो रही हूँ कि यार नाउ आई हैव टू बी इवन मोर केयरफुल विद व्हाटएवर आई डू नेक्स्ट, बिकॉज नाउ इफ माई, जरूरी नहीं है कि आप थर्ड में भी रोलाओ. नहीं, रो ही नहीं, बट इट शुड, पीपल शुड लव इट, राइट? लाइक माई पेरेंट्स आर नाउ, और माई फैमिली इज सेइंग दैट दे आर प्राउड, और दे आर लविंग इट, दे आर एंजॉयिंग इट. I don't know, हर सिनेमा पीपल डोंट enjoy sometimes, I don't know, and the options that will come to me accordingly I'll pick, right? So मुझे उस चीज़ का है कि like yesterday also somebody asked me, you have set the bar high for yourself in terms of the projects that you have picked, what will you do next? मैंने बोला यार this is a critical question because I don't know what options will come my way, I don't know what will I pick, I don't know if that will be as loved as my these two projects have been for my family, but रब रखा. तो अभी कुछ साइन वाइन किया है या अभी नहीं? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी करना है सब, अभी करना है, या फिर ऐसा तो नहीं कर लिया और रिवील नहीं कर रही? नहीं नहीं किया, बता देती हूं, ठीक है? हाँ. कैमरे पे बोल रही है, बता देती हूं, ठीक है? बता तो मैं आ जाऊंगा पूछने आपसे दोबारा. अच्छा, बचपन में कौन सा हीरो पसंद था? बचपन में आपको बताया होगा शायद से मैंने, नहीं बताया?
जॉन इब्राहिम बहुत पसंद थे मुझे. क्यों? जब मैं छोटी थी और ये मैंने हर जगह बोल दिया इसलिए मुझे लगा मैंने बता दिया है. मैं स्कूल में थी और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो मैं झूठ बोलती थी सबको कभी मेरा बॉयफ्रेंड है. कोई बॉयफ्रेंड नहीं. I was in fourth standard. नहीं था. था. नहीं है भी नहीं. तब तो बिल्कुल नहीं था. अभी भी नहीं है. डोंट वरी. आई वुड अगर होता तो मैं खुशी खुशी बोल देती. प्राउडली बोलती. उस टाइम पे हेडलाइन मिल गई. क्या सादिया खदीम इज सिंगल. सादिया खदीम इज सिंगल. ओह ठीक है. अब मुझे वो हेडलाइन वो ट्विस्ट नहीं करनी पड़ेगी ना. आप बड़े परेशान हो रहे थे ना कि कुछ भी बोल देती है हेडलाइन कुछ भी बन जाती है. तो ठीक है दिस इज क्लियर कट हेडलाइन. मैं तो स्कूल में फिर झूठ बोलती थी आसपास कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है उसका नाम कबीर है उसके लंबे बाल हैं वो बाइक चलाता है. ये कौन था? ये धूम का जॉन इब्राहिम था. ओह मेरा इमेजिनरी बॉयफ्रेंड था ये. भाई मुझे इतना प्यार था उनसे क्योंकि मेरी चार कम कजिन्स है सबको उस पर क्रश था और मुझे भी बहुत ज्यादा क्रश था. कट्टू जब मैं एक साल पहले उनसे मिली इट वॉज दी मोस्ट हमेशा बहुत शराफत से रहती हूँ बट मैं उस टाइम पे सब कंटिन्यूसली ब्लश किए जा रही थी. मैं इतनी लाल हो चुकी थी एंड द मोमेंट दे लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अच्छा द प्रोड्यूसर इज कमिंग टू मीट मी जॉन इब्राहिम नहीं 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 ही कांट कम. I'm not ready for it. I'm not prepared for it because all my life I've loved him so much. But yeah. तो कैसी रही वो मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी. उन्होंने मुझे अपने हाथ से कुछ खिलाया था जो मैं खा रही थी उस वक्त. And I was like, oh, he's so cute. Exactly. वो आते ही बातें भी bikes की कर रहे थे. That was so cool because what I really loved about Kabir in that film was bikes. And that made me love for bikes. तो मैंने bikes चलाई बचपन में क्योंकि मेरे को इतनी bikes पसंद आई. तो वो आके ही बात कर रहे अरे मेरी बाइक का ये अभी खराब हो गया. आई एम जस्ट स्टिकिंग एट लुकिंग एट दैट बेबी एंड ऑल बिकॉज बाइक सा बेबी. सो लाइक ओह माय गॉड दिस इज सो रियल. अक्षय कुमार ने आपकी बात जॉन अब्राहम से करवाई आफ्टर रक्षाबंधन रिलीज. अभी अभी दो दिन चार दिन पहले. तो बात क्या हुई? कुछ नहीं. अगेन मैंने बोला उन्होंने देखी रक्षाबंधन. उन्होंने तारीफ की. फिल्म रिलीज नहीं हुई थी. अच्छा मैं वही पूछ रहा हूं रिलीज से पहले बात करवाई. हां हो गया ना चार पांच साल छह दिन पहले जब हम लोग प्रीमियर पे आए उस रात. तो उन्होंने बोला कि इनको बहुत अच्छा लगा ट्रेलर पे देख के एंड ऑल दैट. तो आपको फिल्म से पहले ही गिफ्ट मिल गया था. हाँ मेरे को मिल. वैसे मैं आपको बताऊं जॉन एक्चुअली इज अ वेरी लवली पर्सन. मतलब आई हैव मेट हिम सो मेनी टाइम्स और उनकी पता एक खासियत है आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता जो जिससे एक बार मिल लेते हैं ना वो इंटरेक्ट कर लेते हैं ना उसे भूलते नहीं है. ऐसा क्या? ऐसा है बिल्कुल है ऐसा. और ये मैंने बहुत लोगों से सुना भी है और खुद भी ऑब्जर्व किया है. मतलब पीछे मैंने उनका इंटरव्यू किया था एक फिल्म के लिए तो मैंने कहा कि आप तो इस फिल्म में जो है जॉन मैन जैसे ही मैन है स्पाइडर मैन है जॉन मैन तो उनको बड़ा पसंद आया. तो फिर उन्होंने उसमें बोला अपने डायरेक्टर को कि अगली फिल्म जब इसका सीक्वल बनाएंगे ना तो जॉन मैन नाम यूज करेंगे और अमित को क्रेडिट देंगे. तो जाहिर है ड्रीम तो होगा कि उनके साथ फिल्म विल्म कर पाएंगी. मतलब आप तो ब्लश करती रह जाएंगी. नहीं नहीं काम के टाइम कंट्रोल हो जाएंगे. ऐसा लगता है होने वाला है. अरे वाह ये तो है. मुझे लग रहा है कुछ हो चुका है ये बता नहीं नहीं नहीं, नहीं बताती हूँ थोड़ी देर में. हीरोइन कौन सी पसंद थी? हीरोइन मुझे बहुत सारी मुझे मैं श्रीदेवी का काम देखती थी. मुझे श्रीदेवी पसंद थी. मुझे दीपिका बहुत अच्छी लगती है. आई फाइंड हर रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरीली ब्यूटीफुल. मुझे आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है. मैं एक नाम नहीं ले सकती बिकॉज हम लोगों के पास ना बंडल ऑफ टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स. सो एक नाम लेना अनफेयर है. फ्रॉम श्रीदेवी टू मधुबाला टू रेखा टू दीपिका टू आलिया वी हैव वैरायटी. सब में कुछ ऐसा ऐसा है जो एक एक्टर देखता है लुक अप टू यू नो. हीरोइंस आपने इतनी सारी बता दी. हीरो एक ही है जॉन अब्राहम. नहीं नहीं हीरो ही बहुत सारे हैं. ये तो प्यार था. प्यार को आपने एक्टर पूछा नहीं. आपने पूछा क्रश किस पे था तो वो बताया मैंने. नहीं मैंने हीरो ही पूछा था. हीरो हाँ तो बहुत सारे हैं. आई लाइक शाहरुख. आई लव अक्षय सर. हाँ अक्षय सर तो आई लव एंड नाउ आफ्टर नोइंग हिम आई लव हिम इवन मोर. शाहरुख सर हो गए सलमान सर आमिर एवरीबडी लाइक आई टू. अच्छा सादिया को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? टू लूज पीपल. आई थिंक दैट्स द ओनली फियर आई हैव. और सबसे ज्यादा मजा क्या काम करने में? एक्टिंग करने में और खाना खाने में. खाना खाने में? यू आर अ फूडी. आई एम बिग टाइम फूडी. बिग टाइम. क्या पसंद है आपको? सब कुछ.
सब कुछ मिलना चाहिए, स्पेशली कश्मीरी खाना, वाजवान. इफ देयर इज एनीबॉडी इन बॉम्बे, प्लीज सेंड मी कश्मीरी फूड, आई विल सेंड यू माय एड्रेस. और लड़के भी भेज सकते हैं? नहीं नहीं, लड़के नहीं चाहिए प्लीज. लड़के नहीं चाहिए अभी, जॉन अब्राहम. कोई लड़का नहीं चाहिए. नहीं नहीं, जॉन सर भी नहीं चाहिए. लड़के नहीं चाहिए, काम अच्छा काम चाहिए और अच्छा खाना चाहिए. तो अभी फैमिली का किस तरह का रिएक्शन है, मतलब हाउ फैमिली हैज सिंक्ड इन? फैमिली को अब मतलब दे हैव कम टू दिस पॉइंट कि अभी लड़की मुंबई में रहेगी? वो तो 5 साल से कबूल कर चुके हैं, वो तो चाहते हैं. अभी मम बताया ना, मम्मा पापा सब यहीं पे थे, पापा मम्मा अभी गए, लाइक मम्मा कुछ महीने पहले गई हैं. अब दे आर लाइक नाउ यू डोंट, आई डोंट हैव टू बी ऑलवेज देयर विद यू, सो इट्स बीन 5 मंथ्स, मम्मा इज देयर, फैमिली इज गुड. और बाकी ये 3 बच्चे हैं मेरे साथ. हाँ, ये 3, इनका इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए. रहमत सबसे छोटा, ऑल्सो कॉल्ड एज हबीबी, मोएजा सबसे बड़ी, एंड देन सला, द वाइट वन यू सॉ एंड द ब्राउन वन. ये 3 बिल्लियाँ हैं मेरी, ये मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं. ये दे कीप मी सेन, दे कीप मी ग्राउंडेड, दे कीप मी एंटरटेन थ्रू आउट द डे. लुक एट दिस, ही स्मेलिंग हिज शूज नाउ. और ये बहुत शरारती है, वो वाइट वाली ही सला, वो आती नहीं है किसी के पास. मोएजा और इसने कल कबूतर आया था, उस पर अटैक कर दिया. अभी वो कबूतर ऊपर है, अब मैं उस बेचारे कबूतर को बार बार ऊपर जाके देख रही हूँ. नाउ ही कांट वॉक, आई डोंट नो, क्योंकि वो पहले से लंगड़ा था या इन्होंने उसको लंगड़ा किया, आई हैव नो आइडिया. अच्छा, अब एक रैपिड फायर करते हैं जी. वन वर्ड, लेकिन एक ही वर्ड. हाँ ठीक. बेस्ट फिल्म यू हैव सीन टिल डेट, रक्षाबंधन को छोड़ के. लज्जा. वर्स्ट फिल्म यू हैव सीन टिल डेट, वर्स्ट. Why do I don't remember a worst film? Acha, theek hai. One word for each of your sisters in the film. Deepika. Sweetheart. Srishti. Srishti kaun? Smriti. Smriti, sorry, Smriti. Oh, soft heart. Sejameen. Very smart. Aisa kyun? She's very intelligent. Matlab. मुझे लगा इसके बाद जॉन अब्राहम पूछूं, हो सकता कुछ और निकल. शट अप, इतनी जल्दी जल्दी कर दी, मैंने सब मिक्स कर दिया. शाहरुख खान. व्हाई ओनली स्वीट हार्ट एंड लव इज कमिंग टू माय वर्ड, आई डोंट नो. शाहरुख खान. ड्रीम. विधु विनोद चोपड़ा. आह, टैलेंट. राखी सावंत. एंटरटेनिंग. अच्छा, अब फ्यूचर में जब किसी प्रोजेक्ट को आप चूज करेंगी, क्या चीजें हैं जो यू विल कीप इन माइंड? बिकॉज यू सेड कि पीपल आर टेलिंग यू कि यू हैव सेट द बार हाई फॉर योरसेल्फ, सबसे बड़ी चीज क्या दिमाग में होगी? अच्छा कैरेक्टर, अच्छी स्टोरी, गुड मेकर्स, गुड को एक्टर्स. ये है एक थोड़ा सा राउंड बॉक्स बनाया हुआ. जल्दी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि शादियाँ खट 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 खट. अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि अक्षय कुमार की बहन बन गई है तो बहन के कैरेक्टर जो है वो खूब सारे ऑफर हो रहे हैं? अब नहीं हुआ अभी तक, एक आया, एक एक्चुअली रियलाइज बहन का ही है, बट ऐसा कुछ नहीं, वो आता रहता है, डिफरेंट मिक्स होता रहता है. बट ये है कि शिकारा के बाद एक साल बाद एक फिल्म साइन की थी, इसके बाद आई होप अभी कर दूँ, जल्दी कर दूँ. प्रपोजल्स कितने मिले ये बताइए? शादी के मोहब्बत नहीं, कोई प्रपोज नहीं करता. ऐसा आप मुझे खुद बताओ, कहां से कौन करेगा? माय लाइफ इज जस्ट ओनली अबाउट माय वर्क एंड फैमिली. हां, तो प्रपोजल्स तो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं आजकल, या क्रश व्रश चल रहा है बहुत ज्यादा, बट प्रमोशंस के लिए जाती हैं वहां. कुछ कोई ऐसा क्रेजी फैन कोई कुछ तो मिला होगा या नहीं मिला? हां, फैंस वगैरह के कुछ एनकाउंटर्स हो रहे हैं व्हिच आर स्वीट, नॉट क्रेजी. वेरी वेरी स्वीट. जो याद रहा हो या कोई वाक्या इससे जुड़ा? अभी आई वेंट फॉर अ बॉम्बे दर्शन टू स्पॉट माय होर्डिंग्स एंड ऑल, एंड आई वाज एट अ सिग्नल एंड आई स्टॉप्ड एंड आई वाज मेकिंग दिस वीडियो ऑफ अ होर्डिंग एंड आई वाज लुकिंग आउटसाइड एंड समबडी जस्ट केम रनिंग एंड सेड, यू आर दिस, आई हैव सीन दिस, एंड वाज वेरी एक्साइटेड एंड इट वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट टू रिएक्ट बिकॉज इट वाज ट्रैफिक सिग्नल था, खुल रहा था, आगे भी नहीं जा सकते थे, पीछे भी नहीं जा सकते थे, एंड ही हैड जस्ट उसका रिएक्शन देखिए एक्चुअली अच्छा लगा. अभी आपको लोग कैरेक्टर के नाम से ज्यादा पहचान रहे हैं आपके नाम से ज्यादा पहचान? थैंकफुली बोथ, बट हाँ ये
गायत्री तो पीपल कॉल मी बट या नाउ दे सर्च दे चेक दो दे नो द नेम इंटरनेट हैज मेड इट इजी इंटरनेट हैज मेड इट इजी फॉर पीपल टू नो या बट हां ये क्रश क्रश बहुत ज्यादा चल रहा है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा नया है दैट्स नाइस दैट्स इट और ऐसे ही आपका क्रश जो है बना रहे क्रश बना रहे हैं आप लोगों के लिए क्रश बनी रहे दैट्स व्हाट वी होप एंड आगे भी जो प्रोजेक्ट आए बिकॉज दीज टू हैव बीन वेरी स्पेशल और आगे भी जो आए वो भी बड़ी स्पेशल रहे फिर हम बैठ के चाय पियेंगे हां डेफिनेटली और मैं पानी मंगाऊंगी अपने लिए नींबू पानी मंगाऊंगी अपने लिए देन वी विल हैव चाय एंड नींबू पानी पे चर्चा थैंक यू सो मच सादिया फॉर जॉइनिंग इन लवली टॉकिंग टू यू और अच्छा हुआ हमारा इंटरव्यू पहले नहीं हुआ क्योंकि अब जब हुआ तो बड़े अच्छे से हुआ सब कुछ बोल दिया सारी बातें कर दी मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत में सादिया के घर की चाय पीनी लिखी एग्जैक्टली गुड ना बेटर ना यस थैंक यू सो मच लवली टॉकिंग टू यू सी यू सून वेरी सून डेफिनेटली